देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रोशे का एक बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले हम नीचे की पट्टी तैयार करेंगे। देखिए, इस तरह से आपने 7 चैन बुननी है, 2, 3, 4। फ्रेंड्स, मैं बुन लेती हूँ तो बाद में बोलती हूँ, कभी आप सोचेंगे, फर्स्ट से तो बोलती ही नहीं है। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7। इसके बाद देखिए 3 एक्स्ट्रा रखेंगे, 1, 2, 3। देखिए, इसके बाद एक बल लेंगे और यहीं से इसे बढ़ाएंगे। देखिए, इसके बाद देखिए हर चैन में आपने डबल क्रोशे से बुनना है। नीचे की पट्टी तैयार करेंगे अच्छी सी इस तरह। फ्रेंड्स, आप चाहें तो चौड़ी रख सकती हैं और आप चाहें तो पतली रख सकती हैं। देखिए कितनी चैने हो गई हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 हो गई हैं। देखिए इस तरह अब हम इसे पलटेंगे फ्रेंड्स, और फिर देखिए 1, 2, 3, फिर इस तरह। देखिए, एक हमारी चैन हो गई, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7 और ये 8। देखिए फ्रेंड्स, ये 8 हो गई है ना। अब हम इसकी एक लंबी सी पट्टी बनाकर बताते हैं कि हमें कितनी बार बनाना है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पट्टी बुन ली है। देखिए, ये हमारी बेस रो है जिसपे हम डिजाइन बनाएंगे। देखिए मैंने कितनी बार बुनी है, 2 तो मैंने आपको दिखा दी थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखिए ये 16 है, इसपे हमारे 2 खूबसूरत से फूल आएंगे इतने पे। देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम 3 चैन बुनेंगे, 2, 3, 3 चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे और देखिए डबल क्रोशिया से हम बुनेंगे, 1, ये 2 और ये 3। 3 के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें बुन लीजिए 4 और ये 5। देखिए 2, 4, 5 और एक हमारी चैन है, ये हो गई। अब इसके बाद देखिए हम 4 चैन बुनेंगे, 1, 2, 3, 4। देखिए इसे छोड़ के यहां बुनेंगे इस तरह। फिर देखिए 1, 2, 3, 4। देखिए इसके बाद इसमें बुनेंगे, फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 5 के बाद फ्रेंड्स ये 1 छोड़ देंगे क्योंकि इसके बराबर में है, यहां बुनेंगे यहाँ पे। ये हमने 5 चैन डाली है इसमें, इसमें फूल बनेगा इसलिए। ये देखिए, फिर 1, 2, 3, 4। 4 के बाद देखिए यहां बुनेंगे, फिर देखिए 1, 2, 3, 4। देखिए फिर यहां बुनेंगे 4 के बाद, देखिए 1, 2, 3, 4। 4 के बाद देखिए फ्रेंड्स यहां बुनेंगे, एक दो तीन चार और ये 5। देखिए 5 बुनने के बाद ये छोड़ के यहां से यहां बुनेंगे, ये देखिए। फिर इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4। 4 के बाद यहां बुनेंगे, फिर देखिए 1, 2, 3, 4। 4 के बाद देखिए यहां बुनेंगे, 1, 2,
तीन के बाद देखिए ये जो है ये चार और ये पांच। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, ये देखिए ये बेस रो थी यानी फर्स्ट रो बुन समझ लीजिए, ये सेकंड रो मैंने इस तरह बुन लिए। देखिए दोनों तरफ से देखिए इसी तरह है, इसमें हमारे फूल आएंगे, इसमें फूल आएंगे और ये बीच में इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 इस तरह से बनेंगे। देखिए अब हम सेकंड इसकी थर्ड लाइन बुनेंगे। फ्रेंड्स आप रो का ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको वो बाद में रिपीट करनी है। अब हम थर्ड रो बुनेंगे। देखिए पहले तीन चैन बुनेंगे, ये किनारों के पांच इसी तरह बुनिए जैसे नीचे से चल रहे हैं, तीन ये चार और ये पांच। देखिए ये पांच हो गए फ्रेंड्स। आप देखिए क्या करना है आपने, अब आपने एक चैन बुननी है इस तरह। फिर देखिए ये हमने किनारों के पांच बुन लिए हैं, दो चार और एक ये चैन मिला के पांच। अब देखिए आपने चार चैन बुननी है, 1 2 3 4 चार बुनने के बाद फ्रेंड्स ये जो है ना इसको छोड़ के इसमें आपने सिर्फ सिंगल क्रोशिया बुनना है यानी एक ही बार इस तरह। अब देखिए एक बल ले लीजिए और ये जो है ना हमारा इसके अंदर आपने 7 बार बुनना है, 1 2 डबल क्रोशिया से बुनेंगे एक बल डाल के, 3 देखिए ये हमारा फंदा है ये बल और ये इस तरह, 4 5 6 और ये हमारे 7 हो गए। देखिए 7 के बाद फ्रेंड्स ये जो है इसमें आपने इस तरह बुनना है। फिर ये देखिए 1 2 3 4 इसमें बुनना है। फिर देखिए 1 2 3 4 इसके बाद देखिए इसमें बुनना है। फिर देखिए एक बल और ये था ना इसमें भी फूल आएगा तो इसमें भी 7 बार बुनना है आपने। देखिए एक बल एक हमने बुन लिया, ये 2 ये 3 4 5 6 और ये 7। देखिए 7 आ गए फ्रेंड्स। फिर इसके बाद देखिए आपने इसमें आपने इस तरह से बुनना है। फिर देखिए 1 2 3 4 चार बार बुने बाद एक बल लेंगे फ्रेंड्स और देखिए किनारों के पांच पांच बार आपने किनारों का जो बना रहे हैं इस पे बुनना है, 1 2 3 ये 4 और ये देखिए 5। इस तरह से हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह आएगी, ये फोर्थ रो है फ्रेंड्स, 1 2 3 और एक किनारों के पांच इसी तरह बुन लीजिए डबल क्रोशिया से, 2 3 4 और ये 5। देखिए 5 बुन लिए फ्रेंड्स। अब आपने 1 2 3 4 चार बुनने के बाद हमारी चौथी रो थी ना, देखिए हमने ये 5 बुन लिए और इसके ऊपर ये 4 चैन बुन लिए। अब देखिए इसके ऊपर एक बल डालेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स इसे छोड़ के देखिए बल डाल के यहां से आपने इस तरह से देखिए इस तरह बुनना है, 1 हो गया ये। फिर आपने एक चैन बुननी है, फिर आपने देखिए ये दूसरे में बुनना है डबल क्रोशिया से, देखिए फिर एक चैन, फिर ये देखिए 2 3
चैन फिर एक चैन देखिए, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये सात हो गए हैं। सात के बाद देखिए कि हमने 7 टाइम बुन लिया है। अब देखिए चार चैन बुनेंगे, एक दो तीन चार, चार चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ आपने यहाँ बुनना है इस तरह से। देखिए फिर इसको बुनने के बाद आपने ये एक बल, और देखिए यहाँ से फिर आपने जैसे इधर बुना था ना फ्रेंड्स, ये इस तरह आपने इस पे भी बुनना है। एक चैन फिर एक चैन, फिर डबल क्रोशे से बुनेंगे, फिर एक चैन, 7 टाइम बुनना है फ्रेंड्स। ये देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात हो गए हैं। फिर अब आपने क्या करना है, आपने सात चार चैन बुनी, एक दो तीन चार और एक बल, और देखिए यहाँ यहाँ से किनारों पे जो आप पांच बुन रहे हैं उसी तरह पांच बुन लीजिए, एक दो तीन चार, दो चार हो गए हैं, और ये लास्ट में पांच। अब देखिए से पलट देंगे, देखिए फ्रेंड्स एक दो तीन चार, चार रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी पांचवी रो है, देखिए पांचवी रो कैसे बनेंगे। देखिए एक बल, फिर आपने ये देखिए दो, दो के बाद ये तीन, ये चार, ये पांच, देखिए पांच हो गए फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, देखिए एक चैन बुननी है, इसके बाद देखिए एक बल लेना है, और ये जो आपका है ना इसके अंदर देखिए इस तरह से थोड़ा बड़ा ये रहा, एक दो तीन चार और ये पांच, देखिए पांच हो गए। अब आपने इस तरह से देखिए एक हो गया, पफ स्टिच बनाना है, फिर एक देखिए एक चैन दो चैन बुनेंगे, फिर ये देखिए इसमें इस तरह से पफ स्टिच डालेंगे फ्रेंड्स थोड़ा बड़ा, एक दो तीन चार पांच। देखिए इस तरह फिर दो चैन, एक दो, दो चैन के बाद फ्रेंड्स इसमें भी पफ स्टिच डालेंगे इस तरह, एक बड़ा सा लेंगे फंदा, ये दो तीन चार ये पांच, देखिए इस तरह, फिर दो चैन, एक और दो, फिर देखिए इसमें एक दो तीन चार पांच, दो चैन, देखिए इस तरह बनेगा फ्रेंड्स। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये देखिए। फिर आपने देखिए इसमें भी इसी तरह पफ स्टिच डालना है, एक दो तीन चार पांच, पांच के बाद देखिए इस तरह, फिर ये देखिए, फिर आपने दो चैन बुननी, एक दो, फिर
फिर देखिए फ्रेंड्स इसमें बुनना है, थोड़ा बड़ा बना लीजिए, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच के बाद देखिए इस तरह, फिर दो चैन एक और दो। देखिए फ्रेंड्स एक चैन एक चैन बुननी है, दो नहीं बुननी, सॉरी एक चैन बुनने के बाद देखिए जो बीच में एक है ना इसमें इस तरह से आपने, फिर इसके बाद एक चैन और चैन के बाद देखिए ये बल, और इसके अंदर जैसे हमने ये देखिए एक बता देती हूँ मैं, बिल्कुल इसी तरह ये पफ स्टिच आपने यहाँ डालना है। और यहाँ डालने के बाद फ्रेंड्स जब तक मैं यहाँ बुनकर रिपीट कर बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने यहाँ पफ स्टिच डाले थे ये इसी तरह से देखिए मैंने इधर डाल लिए हैं, फिर मैंने यहाँ दो चैन बुनी है और ये पांच किनारों के जो चल रहे हैं इसी तरह चलेंगे। अब देखिए हमारी पांच रो तो कंप्लीट हो गई, हम छठी लाइन कैसे बुनेंगे ये देखिए, फिर आपने किनारों के पांच इसी तरह बुनने हैं, दो तीन, तीन के बाद देखिए एक दो तीन चार और ये पांच। देखिए पांच हो गए ना फ्रेंड्स, आप देखिए डिजाइन तो तैयार है लेकिन इसके ऊपर कैसे बुनेंगे फिर आप देखिए, एक दो तीन चार, चार बुनने के बाद देखिए फ्रेंड्स ये जो है ना यहाँ आपने इस तरह से बुनना है सिंगल, फिर देखिए एक दो तीन चार, फिर देखिए यहाँ बुनना है सेकंड में, फिर देखिए एक दो तीन चार पांच, ये आप यहाँ पांच चैन लेनी इसे छोड़ के यहाँ बुनना है, देखिए एक हमने स्किप कर दिया है इसमें बुन लिया, अब देखिए एक दो तीन चार, चार के बाद यहाँ बुनेंगे, फिर देखिए एक दो तीन चार, चार के बाद देखिए फिर यहाँ बुनेंगे इस तरह से, देखिए ये बीच में इस तरह से आएगा, फिर देखिए एक दो तीन चार, चार के बाद देखिए यहाँ आएंगे, यहाँ बुनेंगे, फिर देखिए एक दो तीन चार, चार के बाद यहाँ बुनेंगे, फिर देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच चैन के बाद इसे स्किप करके यहाँ बुनेंगे, फिर देखिए एक दो तीन चार, चार के बाद देखिए यहाँ बुनेंगे, ये किनारों के पांच इसी तरह बुनेंगे, दो तीन ये चार और ये पांच, देखिए इस तरह से बुना जाएगा कुछ, ये देखिए देखिए फ्रेंड्स अब हम सातवीं लाइन बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये तो तैयार हो गया था ना, अब हम छठी लाइन बुनेंगे, ये देखिए यही किनारों के पांच फंदे ऐसे ही बुनेंगे, तीन चैन दो हो गए चैन लगा के, ये तीन हो गए, ये चार हो गए और ये पांच, देखिए पांच के बाद फ्रेंड्स आपने चार चैन बुननी, एक दो तीन चार, चार के बाद देखिए इसे छोड़ के इसमें डालेंगे इस तरह, फिर देखिए एक चैन बुनेंगे और इस तरह बल लेके देखिए इसमें सात बार बुनेंगे, जैसे हमने यहाँ बुना था ना इसी तरह यहाँ बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच छ और ये सात, देखिए सात हो गए फ्रेंड्स, फिर आपने देखिए एक इस तरह से आपने इसमें बुनना है, देखिए फिर इसमें फ्रेंड्स इसमें बुनेंगे
इस तरह, फिर एक दो तीन चार, चार के बाद देखिए एक बल, चार के बाद देखिए फ्रेंड्स ये जो है ना आपका इसमें बुनेंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह, फिर आपने एक बल, और बल के बाद देखिए इसमें भी 7 बार बुनना है अपने डबल क्रोशिया से, एक दो तीन चार पांच छः और ये 7, देखिए 7 बार बुन लिया। अब ये देखिए जो है ना फ्रेंड्स इसमें बुनेंगे इस तरह, फिर आपने 4 चैन बुननी है, एक दो तीन चार और एक बल, किनारों के 5 बार बुनना है, एक दो तीन चार पांच, देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स अब आपने इसको रिपीट करना है, देखिए मैंने आपको जैसे यहां बनाया था ये वाला ये बता दिया है, अब आपने इनके ऊपर डबल क्रोशिया से 7 बार बुनना है कि चैन डाल के, जैसे मैंने यहाँ बुना था ना फ्रेंड्स बिल्कुल इसी तरह। फिर इसके बाद आपने ये पफ स्टिच डालनी है, बस आपने रिपीट ही करना और आपका डिजाइन तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स बस आपने रिपीट करना है यहाँ से, ये देखिए बना हुआ है, ये मैंने बना दिया ताकि आपको समझ आ जाए। अब आपने ये नीचे का और ये पफ स्टिच दो दो बार डालेंगे तो आपको ये पूरा तैयार हो जाएगा। और अगर आपको ये हमारी क्रोशिए का डिजाइन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।